हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अस्टाइलम इंडस्ट्रीज़ की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस, कंपनी की ओर से एक अपडेट आया है कि कंपनी जो है अपना एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी जो कि मिस्टर्स अस्टाइलम पैनल्स लिमिटेड, इसका टोटल कॉस्ट एक प्रोजेक्ट है जिसका टोटल कॉस्ट होगा 150 करोड़ का। ये मतलब कि यहाँ पे लैमिनेट्स का मैन्युफैक्चर करेगी, यहाँ पे इसके लिए प्लांट सेटअप कर रही है। इसका प्रपोजल और अप्रूवल हो चुका है बोर्ड के द्वारा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनंशियल रिजल्ट्स पे। और स्क्रीन पे गाइस, आपको यहाँ पे फिनंशियल रिजल्ट्स होकर रैक्स में नंबर्स दिए गए, और ये वाली पोर्शन है क्वार्टर एंडेड का। ये फिनंशियल ईयर एंडेड का रिजल्ट, हम लोग क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। इनकम जो निकल के आया है इस बार का 237 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 234 करोड़ था, और मार्च 22 क्वार्टर में 186 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे माइनर सा ग्रोथ, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए, लगभग 3 करोड़ के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस है 201 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ था, और मार्च 22 क्वार्टर में 167 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक्सपेंसेस यहाँ पे डाउन हुआ है, जबकि इनकम में माइनर सा ग्रोथ, लेकिन एक्सपेंसेस डाउन होता हुआ नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया 36 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इस कंपनी का अगर देखिएगा तो टैक्सेस यहाँ पे इंक्रीज किया है, 9 करोड़ का यहाँ पे टैक्सेस लगा करंट टैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर से इस बार कम, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इस बार लगा है। क्योंकि कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो इनकम में ग्रोथ है, यहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा लगा है। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 26.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 16.5 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे प्रॉफिट्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। EPS 15.81 रुपीज़ का है, पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों में यहाँ पर बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रिजल्ट आया गाइस यहाँ पे, बहुत ही शानदार रिजल्ट कंपनी पेश किया। अगर हम लोग यहाँ पे इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पे इनकम जो है 237 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 234 करोड़ था, और मार्च 22 क्वार्टर में 186 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। एक्सपेंस निकल के आई है 201 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 167 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। जिसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 26.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ था, और मार्च 22 क्वार्टर में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की प्रॉफिट्स में तेजी देखने को मिला है। EPS 15.81 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट जो पेश हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी का पेश हुआ है। तो हम जो है वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।